आवर नेक्स्ट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन मीन्स टू सब्स्टिट्यूट, गिव रिप्लेस सम एलिमेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट. सब्स्टिट्यूट वी हैव टू डू. लेट अस टेक द रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे आर रिप्लेस्ड बाय द अनदर एटम और ग्रुप. That is called the substitution reaction. Mostly in the hydrocarbon, the halogens replace because they are more reactive as compared to hydrogen, and corresponding we can say the halogen compound will be formed. Let us see the example. Methane. मीथेन जो है जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो सनलाइट में की प्रेजेंस में आपने पढ़ा था पहले कि कौन सी रिएक्शन होती है, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस आल्सो. तो जब जो है क्लोरीन जो है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करता है तो क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन मीथेन में से रिमूव करता है और हमारे पास जो कंपाउंड आता है दैट इज इट इज क्लोरोमीथेन एंड प्लस HCl गैसेस इवॉल्व. बट बिकॉज दिस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज अनस्टेबल वन क्लोरोमीथेन, इट अंडरगो फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड गिव्स आउट वन अगेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम एंड वी विल गेट chloro, we will get the dichloromethane and plus HCl gas, and this process goes on until all the hydrogen from the respective methane is removed by the chlorine, and we will get the carbon tetrachloride and HCl gas. So it is a series of reaction where in which the each hydrogen atom is replaced by the chlorine. And this reaction is called